नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फटाफट रिवीजन। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि सब इसका लाभ ले सकें। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। आइए देखते हैं, फटाफट रिवीजन में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपका है जितना आपने पढ़ा है वो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। मूले रूज क्या था? तो साथियों, मूले रूज जो था वो एक मदिरालय था। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? तो तुलुज लोत्रेक एक चित्रकार थे जिनके चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है? तो बाकी के तीन घनवादी हैं और जेम्स इंसर्ट जो है वो घनवादी कलाकार नहीं था। विंची का जन्म कब हुआ था? इनका पूरा नाम है लियोनार्डो दा विंची। तो इनका जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, रेम्ब्रा कहाँ का निवासी था? तो रेम्ब्रा साथियों नीदरलैंड का था, तो वो हो जाएगा आपका हालैंड। नीदरलैंड को ही हालैंड कहा जाता है। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया था मार्क इंसर्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार कौन था? तो इसके जो कलाकार थे वो थे सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न देखिए, फ्रायड के सिद्धांतों में मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस वाद को प्रेरणा दी? तो इसे प्रेरणा दी थी इसने अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखिए, एंडी वारहोल किस आंदोलन से संबंधित है? एंडी वारहोल जो है वो पॉप कला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पोटैटो ईटर्स यानी आलू भक्षी चित्र किसका है? तो ये चित्र बनाया था वान गॉग ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू पीरियड यानी नीला काल किससे संबंधित है? ब्लू पीरियड आपका संबंधित है पिकासो के। अगला प्रश्न देखिए, पिकासो का जन्म कब हुआ था? यानी जब उनका जन्म हुआ था उस समय कौन सा वाद चल रहा था? तो उस समय प्रभाववाद चल रहा था, तो ये जो समय है वो है आभास चित्रण। अगला प्रश्न देखिए, किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो चीन की जो है वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, जियोत्तो का जन्म कहाँ हुआ था? जियोत्तो का जन्म हुआ था इटली में। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? पुनर्जागरण कला इटली के केंद्रों में फली फूली। अगला प्रश्न देखिए, फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? तो फ्रा एंजेलिको जो है पुनर्जागरण शैली का चित्रकार है। मिस्र की कला शैली किस अवधारणा से संबंधित है? तो मिस्र की कला शैली अवधारणा जो है वो आत्माओं से संबंधित है, मृत आत्माओं। अगला प्रश्न देखिए, द इनर आई फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? तो द इनर आई फिल्म है विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित, इसे बनाया था सत्यजीत रे ने। अगला प्रश्न देखिए, शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया? शहीद स्मृति का निर्माण किया था डीपी राय चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए, हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी का मंदिर है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे करवाया था रुद्रदेव ने। अगला प्रश्न देखिए, थ्योरी ऑफ इंट्यूशन यानी सहजानुभूति का सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत दिया था क्रोचे ने। अगला प्रश्न देखिए, वर्जिन ऑफ रॉक किसका चित्र है? वर्जिन ऑफ रॉक यानी शैल खंडों की कुमारी, ये चित्र है लियोनार्डो दा विंची का। अगला प्रश्न देखिए, पांडुलिपि चित्र बनाए गए यानी किस पर बनाए गए? तो पांडुलिपि चित्र बनाए गए थे ताड़पत्रों पर। अगला प्रश्न देखिए, विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? विस्थात स्फिंक्स जो है वो गीजा मिस्र में स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत चित्रावली किसकी है? तो मेघदूत चित्रावली है शैलेंद्रनाथ डे की। अगला प्रश्न देखिए, बरोक शैली का मुख्य चित्रकार है? बरोक शैली का मुख्य चित्रकार कैरावेजियो है। अगला प्रश्न देखिए, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? तो सूरजमुखी के फूल है वान गो की कृति। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? मुर्गा बनाया था पिकासो ने, ये मूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सल्वाडोर डाली की। हो सकता है ये सभी प्रश्न आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको रिवीजन करते रहेंगे तो वो दिमाग में बना रहेगा आपके। अगला प्रश्न देखिए, मियो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो वो थे लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दीमापुर में। अगला प्रश्न देखिए, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे संबंधित है? तो वो बना है लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंड स्टोन से। अगला प्रश्न देखिए,
1958 में ललित कला अकादमी कलकत्ता द्वारा रजत जयंती पदक से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था नंदलाल बोस को। अगला प्रश्न देखिए, वे कौन प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनके जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी? तो वो भी कलाकार थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखिए, वी कुंज मणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वी कुंज मणि का संबंध है बांसुरी से। मैंने वाद्य यंत्रों पर एक वीडियो बनाई है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? इटली की चित्रकला का पिता सिमाभुए को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उद्घोषणा नामक चित्र किसने चित्रित किया? उद्घोषणा नामक चित्र चित्रित किया था फ्रा एंजेलिको ने। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली की चरम परिणति पुनरुत्थान काल में होती है? तो वो शैली थी गोथिक शैली। अगला प्रश्न देखिए, आन मोनार्की ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये रचना की थी दांते ने। अगला प्रश्न देखिए, द ट्रिनिटी चित्र की रचना किसने की? द ट्रिनिटी चित्र की रचना की थी मसाचियो ने। अगला प्रश्न देखिए, द डिले चित्र किसने चित्रित किया? द डिले चित्र बनाया था पाउलो उच्चेलो ने। अगला प्रश्न देखिए, लिली वडेजनी के पुष्पों का सबसे अच्छा चित्रण किसने किया? तो वो कलाकार था फ्रा फिलिप्पो लिपि। अगला प्रश्न देखिए, शान शौकत से युक्त डेविड की मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो शान शौकत से युक्त डेविड की मूर्ति का निर्माण वेरेशियो ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, वेजर नदी की घाटी में कौन सी गुफा स्थित है? वेजर नदी की घाटी में स्थित है लास्को की गुफा। अगला प्रश्न देखिए, आक्रमण करता हुआ महिष यानी चार्जिंग बाइसन कहाँ चित्रित है? तो ये चित्रित है अल्तामिरा की गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, लास्को गुफा की खोज किस सन में हुई? लास्को गुफा की खोज हुई थी 1940 में। हेनरी ब्रुइल एल कैपिटल तथा डी पिरानी खोजकर्ता थे प्रागैतिहासिक चित्रों के। अगला प्रश्न देखिए, लॉजल की वीनस क्या है? लॉजल की वीनस है वो एक प्रागैतिहासिक शिल्प है। अगला प्रश्न देखिए, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? नर्तकी समूह चित्रित है कोगुल की गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? तो वो युग था मेम्फाइट युग। अगला प्रश्न देखिए, कुरोस तथा कोरो का संबंध किस युग से है? तो कुरोस और कोरो का संबंध है हेलेनिस्टिक काल से। अगला प्रश्न देखिए, अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? अल्तामिरा गुफा स्पेन में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए गेरू व चारकोल से। अगला प्रश्न देखिए, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने पर विचार किया गया? तो वो काल था गोथिक काल। अगला प्रश्न देखिए, प्रख्यात चित्र मोनालिसा के चित्रकार, ये सबको पता है, लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न देखिए, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? नीदरलैंड के कलाकार थे जान वान आई, इन्होंने तैल चित्रण को विकसित किया था। अगला प्रश्न देखिए, नवशास्त्रीयतावादी शैली को किसने बढ़ावा दिया? तो नवशास्त्रीयतावादी शैली को बढ़ाया दिया दाविद यानी डेविड। अगला प्रश्न देखिए, घनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें से जो ऑप्शन है घनवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे पिकासो। अगला प्रश्न देखिए, सुरीलवाद कहाँ पनपा था? सुरीलवाद दोस्तों फ्रांस में पनपा था। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन थे? सर्वोच्चवाद के प्रणेता थे काजीमीर मालेविच। अगला प्रश्न देखिए, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। इनमें से भविष्यवादी चित्रकार हैं कार्लो कारा। अगला प्रश्न देखिए, ऑफ कला के प्रवर्तक कलाकार, तो ऑफ कला के प्रवर्तक कलाकार हैं विक्टर वासरेली। अगला प्रश्न देखिए, पॉप कला किस देश में विकसित हुई? तो पॉप कला विकसित हुई थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखिए, वादों का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा तो वादों ने जन्म लिया वो फ्रांस में जन्म लिया, तो वादों का जन्मदाता कहा जाता है फ्रांस को। ड्राई ब्रुक समूह के संस्थापक कौन है? तो ड्राई ब्रुक समूह के संस्थापक है लुडविन किचनर। अगला प्रश्न देखिए, चीख द क्राई किसने चित्रित किया था? इसे चित्रित किया था एडवर्ड मुंक ने। अगला प्रश्न देखिए, भविष्यवाद का उदय किस देश में हुआ? भविष्यवाद का उदय हुआ था इटली में। अगले प्रश्न देखिए, चौथे आयाम की अभिव्यक्ति किस वाद में की गई? चौथे आयाम की अभिव्यक्ति की गई किरणवाद में। अगला
अगला प्रश्न देखिए, पिघलती घड़ियां मेल्टिंग वॉच किसने चित्रित किया, तो ये चित्रित किया है सल्वाडोर डाली ने। गुर्निका का चित्रकार कौन है, गुर्निका का चित्रकार है पिकासो। अगला प्रश्न देखिए, नौ प्रभाववादी चित्रकार इनमें से कौन है, तो नाम है आपका जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न देखिए, मेदुसा का बेड़ा नामक चित्र में किस वाद का प्रारंभ होता है, तो मेदुसा का बेड़ा नामक चित्र से प्रारंभ होता है रोमांसवाद। अगला प्रश्न देखिए, हेनरी मातिस किस वाद से संबंधित है, हेनरी मातिस संबंधित है पाववाद से। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है, महात्मा गांधी कला वीथिका है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, मोनोक्रोम क्या है, तो एक ही रंग की विभिन्नता कही जाती है मोनोक्रोम। अगला प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट के समय माना जाता है, वो सम्राट थे जस्टिनियन। अगला प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है, तो सान विताले गिरजाघर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाया, तो ये है जस्टिनियन। अगला प्रश्न देखिए, गोथिक शैली का जन्म किस गिरजाघर से माना जाता है, तो गोथिक शैली का जन्म माना जाता है सेंट डेनिस गिरजा से। अगला प्रश्न देखिए, वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र किस चित्रकार का है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसके कलाकार हैं विंची। अगला प्रश्न देखिए, प्रभाववाद के जनक थे, प्रभाववाद के जनक हैं क्लाउड मोने। अगला प्रश्न देखिए, सिंगर्स एट द बार जलपान गृह की गायिकाएं चित्र किसका है, तो ये चित्र है एडगर देगा का। अगला प्रश्न देखिए, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राज राजेश्वर ने। अगला प्रश्न देखिए, होयसलेश्वर मंदिर किस शैली में बना, होयसलेश्वर मंदिर बना है द्रविड़ शैली में। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगा राज्य किसने बसाया था, तो तेलंगाना राज्य बसाया था काकतीय वंशीय। अगला प्रश्न देखिए, वंश के समय की मूर्तियां किससे बनी है, तो काकतीय वंश के समय जो मूर्तियां बनी वो काले बेसाल्ट से बनी है। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। महाबलीपुरम का मंदिर किस पत्थर को काटकर बना है, तो वो पूरा पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी मूर्ति एकाश्मक, यहाँ पर होना चाहिए एकाश्मक है, तो वो मूर्ति वो है एलोरा मूर्ति। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट सफर के निर्माता है, लास्ट सफर के निर्माता है लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1571 में। अगला प्रश्न देखिए, उदात्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया लॉन्जाइनस ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता था वातावरण और प्रकाश। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है, ये चित्र है राफेल का। अगला प्रश्न देखिए, वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य में है, तो वर्ली भित्ति चित्र महाराष्ट्र की लोक कला है। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में है, ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था, तो मैटरनिटी चित्र तैयार किया था पाल गोमो ने। अगला प्रश्न देखिए, घनवाद के कितने आयाम होते हैं, तो घनवाद के 3 आयाम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक कला का पिता कहा जाता है सेजान को। ओ दिलो रेंदो किस कला आंदोलन से संबंधित है, तो ये है प्रतीकवादी। अगला प्रश्न देखिए, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है, तो ये है अभिव्यंजनावादी। वीनस ऑफ उर्बिनो यानी उर्बिनो की वीनस का चित्रकार कौन है, तो ये चित्रकार है टीशियन। 3 मई किस चित्रकार की रचना है, ये चित्र है गोया का, फ्रांसिस्को गोया। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय बनाया, तो वो थे एडगर देगा। इतिहास में सिकंदर की कला को किस नाम से जाना जाता है, तो वो समय है आपका हेलेनिस्टिक का समय, हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में मदुरई में है। अगला प्रश्न देखिए, मार्तंड का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये बनवाया था ललिता दित्य ने। अगला प्रश्न देखिए, साइक्लोन ऑफ द ईस्ट किस मंदिर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मार्तंड मंदिर को। कश्मीर किस वस्तु द्वारा बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है हाथी दांत। अगला प्रश्न देखिए, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है,
विट्ठल स्वामी मंदिर है विजयनगर में। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? साम्राज्य की नींव डाली थी कृष्णदेवराय और हरिहर और बुक्का ने। तो बी और सी ये दोनों आपका सही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो, हरिहर और बुक्का ने। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा लुब्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? वो है बोरोबुदूर जावा में। ये प्रश्न जो है इस बार टीजीटी में आया था 2021 में। बामियान की गुफाएं कहाँ है? बामियान की गुफाएं अफगानिस्तान में है। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। उदयगिरी तथा खंडगिरी किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोनों संबंधित है जैन धर्म से। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? वो समय है आपका शुंग काल। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित। पीतलखोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? पीतलखोरा में कुल 13 गुफाएं हैं। भाजा चैत्य किसके शासनकाल में निर्मित किया गया? भाजा चैत्य सात आंध्र सात वाहनों के समय में निर्मित किया गया। धमेक स्तूप की ऊंचाई कितनी है? वो ऊंचाई है 145 फुट। तांबे की खड़ी बुद्ध मूर्ति कहाँ पर मिली है? तांबे की खड़ी बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से मिली है। भागलपुर जिला है और सुल्तान पर्टिकुलर सुल्तानगंज से मिली है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। तो साथियों इसी तरह आप हमारे चैनल से के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।